नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज हम बात करने जा रहे हैं चेंजेस की, यानी बदलाव की। अक्सर ऐसा बोला जाता है और लोग इस बात से पता नहीं क्यों इतना डरते भी हैं, घबराते भी हैं कि चेंज होता जा रहा है सब कुछ, चेंज होता जा रहा है सब कुछ। देखिए, बदलाव या चेंज जो है जीवन का मूलभूत नियम है। जिस तरह से अच्छा नहीं रहता बुरा भी नहीं रहता, बुरा नहीं रहता तो अच्छा नहीं रहता। आज एक परिस्थिति है, अगर आप सोचें कि आज आप सुखी हैं तो आप सारी जिंदगी सुखी रहेंगे, वैसा नहीं हो सकता। आप आज दुखी हैं आप सारी जिंदगी दुखी रहेंगे, वैसा भी नहीं हो सकता। तो बदलाव जो है, यानी कि चेंज जो है, वो जीवन का मूलभूत नियम है और वो चलता रहेगा। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि आपको बदलाव के साथ खुद को बदलना है, यानी कि चेंज के साथ खुद को ट्यून अप करके एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा, तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल अपनी मेंटल रिदम के साथ, एक कह सकते हैं कि नेचर को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। और ये नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप शांत रहेंगे। और बदलाव से डरिए मत, उससे घबराइए मत। सोच अपनी पॉजिटिव रखिए, सोच अपनी ऊंची रखिए, सोच अपनी अच्छी रखिए। आप देखिए फिर जीवन कैसे अच्छे से, आप कह सकते हैं आप जी पाएंगे। और जीवन के जो मूलभूत नियम हैं उनसे आप भाग नहीं सकते हैं, उनको केवल समझ सकते हैं। और समझने के बाद उनको अपने माइंड में ट्यूनअप करके उनका फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ह्यूमन मेंटल स्ट्रेंथ का सिंक्रोनाइज होना हमारी नेचर के साथ, हमारी मानसिक शक्तियों का हमारी नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होना। तो अगर वैसा होगा तो उसी ह्यूमन को एक्चुअली, उसी मेंटल स्टेट वाली ह्यूमन को एक्चुअली हम सुखी इंसान बोलते हैं। तो अगर आपको सही में सुख लेना है तो आपको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, अपने आप को सिंक करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको ऑब्सोलीट नहीं होना है, आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपने आप को बदलना है, समय के साथ बदलते जाना है और बदलते रहना है। ये जीवन का नियम है, इसको समझ लीजिए, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो किया ताकि ये आप दिमाग से निकाल सकें कि हाई ये आज ये बदल गया, आज वो बदल गया, आज कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। तो आप इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो आते रहेंगे। बस आप खुद भी उन्हीं चेंजेस और बदलाव के साथ खुद को सिंक्रोनाइज करते जाइए, फिर आप पाएंगे कि आपका जो जीवन है बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव करना और पॉजिटिव सुनना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में आपको बोला है, मीडिया, सोशल खबरें, अखबारें, इधर उधर की फालतू का गॉसिप्स, इनसे नेगेटिव स्टॉक से दूर रहिए। क्यों अपनी मन की शांति खुद खराब करते हैं? डोंट टेक इंटरेस्ट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अपने खुद के अंदर खुद को फोकस कीजिए, फिर पाएंगे आपकी दुनिया बदल गई है। आप लोग बाहर फोकस करते हैं, आप लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि दूसरे की दुनिया में क्या चल रहा है, पड़ोसी का क्या हो रहा है। तो इस तरह की सोच के साथ आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सोच बदलो, बदलनी पड़ेगी, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझें। ना समझ आए तो मुझे कॉल करें, और फिर भी अगर कोई दिक्कत फेस करते हैं तो हमसे काउंसलिंग लीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।